16 श्रृंगार कर सुहागनों ने सोमवार को प्रेम के धागों से वट व्रज की सौभाग्य फेरियां लगाकर अखंड सुहाग का वरदान मांगा। वट सावित्री का व्रत रखकर सुहागिनों ने भगवान विष्णु की सविध आराधना की। शहर से लेकर कस्बों और ग्रामीण अंचलों में ब्रह्म वेला से ही व्रती महिलाओं ने जगह जगह समूहों में वट के परिक्रमा की और पूजा पाठ का क्रम शुरू कर दिया। इस बार सोमवती अमावस्या का भी विशेष संयोग है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कभी सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी, तभी से सनातनी संस्कृत में सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती आ रही हैं। ज्येष्ठ माह की अमावस्या पर यह व्रत करने का विधान है। सोमवती अमावस्या होने पर इस बार वट सावित्री का महत्व और बढ़ गया है। सोमवार की भोर से ही वट वृक्षों के नीचे व्रतियों के पहुंचने का सिलसिला आरंभ हो गया था। शहर की नई बस्ती मंदिर, ताड़कनाथ मंदिर, रामलीला मैदान मंदिर सहित विभिन्न चौक चौराहों पर स्थित वट वृक्षों के नीचे सुहागिनों की भीड़ उमड़ने लगी। सुहागिने पूरे श्रृंगार और पूजन सामग्री, मौसमी फल, मिठाई लेकर पहुंची। 16 श्रृंगार से सजी सुहागिनों ने वट वृक्ष के तने में रक्षा सूत्र बांधा और वट वृक्ष की परिक्रमा की। विध विधान से पूजा कर सुहागिनों ने पति की दीर्घायु तथा वंश वृद्धि की कामना की। यह पूजा उन महिलाओं के लिए विशेष खास रही जिनकी शादी इसी वर्ष हुई थी। नवविवाहिताएं खासा उत्साहित दिखाई दी। महर्षि दधीच की नगरी मिश्रिक के दधीच कुंड माँ अष्टभुजा दुर्गा मंदिर, नानक शाही मंदिर समेत कई जगहों पर वट सावित्री की पूजा के लिए महिलाएं एकत्र हुई। सुबह से शुरू हुई पूजा अर्चना का क्रम लगातार जारी रहा। पूजा करने पहुंची नुपुर श्रीवास्तव से इस व्रत को लेकर आई इंडिया ने मिश्रिक के संवाददाता आलोक मिश्रा ने बातचीत की। आप भी सुनिए नूपुर क्या बोले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूपुर श्रीवास्तव है। अच्छा, आज जो सावित्री व्रत की पूजा हो रही है, ये इसका क्या उद्देश्य है और क्या क्या सामग्री प्रयुक्त होती है? ये व्रत वट सावित्री व्रत है जो पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है और प्रत्येक वर्ष धरी ज्येष्ठ मास में मनाया जाता है और महिलाएं इसको बहुत धूमधाम से मनाती हैं क्योंकि ये अखंड सौभाग्यवती व्रत कहा जाता है और इस दिन सुहाग की वस्तुएं और दान के लिए भेंट चढ़ाई जाती है। जो भी धान में और सभी चीज़ें दी जाती हैं वो भी चढ़ाई जाती है और चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, बिछिया है, ये सभी चीज़ें सुहाग की जो प्रतीक मानी जाती हैं पति के सुहाग के लिए लंबी आयु के लिए वही सारी चीज़ें अर्पित की जाती हैं और ईश्वर की पूजा की जाती है। इस दौरान वट वृक्ष के नीचे पूजा कर सावित्री और सत्यवान की प्रतिमाओं की भी प्रतिष्ठापना की गई। फिर वेदियां सजाकर तरह तरह के फल, बांस के पंखे, पूड़ी, हलवा, गुलगुला, भीगा चना अर्पित किया गया। पूजा के बाद महिलाओं ने सावित्री और सत्यवान से जुड़ी कथाएं भी सुनी। दधीच कुंड तीर्थ के पुरोहित राहुल शर्मा ने आई इंडिया को वट सावित्री व्रत का महात्म बताया। उन्होंने यह भी बताया कि दधीच कुंड पर चबूतरा कम चौड़ा होने के कारण भीड़ बढ़ने पर गिरने का भी खतरा मंडराया करता है, रेलिंग लगवाने की आवश्यकता है। आज सावित्री व्रत चल रहा है, महिलाएं पूजा कर रही हैं, इस संबंध में इसका क्या आशा है और सुबह से दधीच कुंड पर जो भीड़ लगी हुई है इस संबंध में आपका क्या कहना है? आज सोमावती का पर्व है, अक्षय वट का पूजन है, जो स्त्रियां अपने सुहाग के लिए ये व्रत रखती हैं और बरगद का पूजन करके जिसे अक्षय माना जाता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, ऐसे वृक्ष का पूजन करती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं। और ये पूजन सुबह 5 बजे से प्रारंभ है और प्रतिवर्ष यहीं पर किया जाता है और प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं, अब सुविधाओं का केंद्र बन गया है। दधीच कुंड पे जो ये ऊंचाई पर महिलाएं पूजा कर रही हैं, इसके पहले भी सुना जाता है कि एक दो महिलाएं यहां पर गिर गई थी, उस संबंध में क्या कहना? जी हाँ, बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले एक बाबू राम जी यहाँ स्वर्णकार हुआ करते थे, उनकी धर्मपत्नी गिर गई और अस्पताल ले जाने पर उनकी मृत्यु हो गई। एक बार यहाँ पर रामकिशोर गांधी जी के परिवार से भी एक उनकी बहू गिर गई थी जिसे भी काफ़ी चोट आई थी। काफ़ी ऊंचाई होने के कारण महिलाएं आती हैं, राग सुहाग करके आती हैं, लहंगा वगैरह पहन के आती हैं और भीड़ होने के कारण, 1 फीट का केवल जीना होने के कारण वो एक दूसरे से सट करके निकलती हैं। ये दुर्घटनाओं का बिल्कुल केंद्र बना हुआ है, पर इस पर किसी प्रकार का शासन प्रशासन का ध्यान नहीं, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। तो यहाँ पर क्या उपाय होना चाहिए? यहाँ पर ग्रिल लगना चाहिए चारों तरफ से, जिससे पूजन करने में सुविधा हो और प्रति माह अम्बावस्या को इसका पूजन किया जाता है। ये केवल साल का एक ही पूजन नहीं है, अक्षय वट का प्रतिमाह अम्बावस्या होने पर पूजन करती हैं महिलाएं। क्या नाम है? राहुल शर्मा, पुजारी दधीची कुंड।
खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।